दुमका में भारी तनाव और धारा 144 के बीच अंतिम संस्कार के लिए अंकिता की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा के दौरान जुटने वाली भीड़ के मद्देनजर मृतका के घर जरुआडीह में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मोहल्ले और आसपास के लोगों को छोड़कर किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। अंकिता का अंतिम संस्कार दुमका के बेदिया घाट में किया जाएगा। उधर अंकिता को श्रद्धांजलि देने और उसके हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज करने की बात कही है। डैंग डिक्लेरेशन में दर्ज दर्दनाक दास्तान। रांची में रिम्स में मौत और जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते दम तोड़ने से पहले अंकिता ने पुलिस के सामने उसके साथ अंजाम दिए गए हर उस जुल्म की दास्तां कलमबद्ध कराई है जो उस सन की शाहरुख को ताउम्र सलाखों में कैद करने के लिए काफी है। पुलिस के मुताबिक अंकिता का डाइंग डिक्लेरेशन बेहद दर्दनाक है। तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने जताया दुख। अंकिता के साथ अंजाम दिए गए दर्दनाक वाकये और इलाज के दौरान हुई मौत के बाद राज्य भर में माहौल गमगीन हो गया। तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। अंकिता का जो हत्यारा शाहरुख हुसैन है उसको तो जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, फैसले कोर्ट में चले और उसके बाद उसका एक साथी है जो छोटू, उसको 12 घंटे के अंदर अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए और उसको भी साथ में जो है उसको भी सजा मिले। मुस्कुराता नजर आया आरोपी शाहरुख। अंकिता को आग के हवाले कर मौत के मुंह में धकेलने वाला जल्लाद सन की आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नजर नहीं आई। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मासूम अंकिता की मौत पर अफसोस जाहिर करने की बजाय मुस्कुराता नजर आया। उसकी बेशर्मी की तस्वीर सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया, जिसके बाद दुमका में हालात बिगड़ने लगे। महज 15 साल थी अंकिता की उम्र। दुमका के जरुआडीह में एक तरफा प्यार में पागल सन की शाहरुख की सनक का शिकार हुई अंकिता की उम्र महज 15 साल थी। झारखंड शिक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड में उसकी यही उम्र दर्ज है। मोहल्ले वाले बताते हैं कि अंकिता बेहद हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। लगातार परेशान कर रहा था आरोपी छीन ली खुशियां। अंकिता की दादी ने बतलाया कि मोहल्ले का ही रहने वाला आरोपी शाहरुख लगातार अंकिता को परेशान करता था। वो अंकिता से दोस्ती करना चाहता था लेकिन अंकिता उससे बात नहीं करना चाहती थी। इस बीच आरोपी ने अंकिता की सहेली से मोबाइल नंबर हासिल किया और बात नहीं मानने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दी। अंकिता की दादी ने कहा कि आरोपी ने सिर्फ उनकी पोती की जान ही नहीं ली बल्कि घर की सारी खुशियां छीन ली। 23 अगस्त के दिन दिया था घटना को अंजाम। बीते 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में पागल अंकिता के जरवाडी स्थित घर के पास ही रहने वाले शाहरुख ने अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया था। जिस वक्त सनकी ने इस घटना को अंजाम दिया उस वक्त अंकिता अपने कमरे में सो रही थी और शाहरुख ने खिड़की के बाहर से पेट्रोल छिड़का था। इस घटना में अंकिता का शरीर 45% झुलस गया था, लिहाजा परिजनों ने उसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए अंकिता को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया था। रांची रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता ने दम तोड़ दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा। एसपी ने कहा, हमने कोर्ट में रिक्विजिशन भी डाल रखा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी, इस कांड में जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। चूंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में नॉर्मल कोर्ट की तरह विचारण नहीं होता बल्कि अलग से विचारण होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में साक्ष्य को संकलित कर त्वरित न्याय दिलाया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।